क्या तलाक लेना चाहती हो? ओह वो तो वेरी सिंपल, एक काम करो उसको जहनी और जिस्मानी पागल कर दो, वो तुम्हें खुद ही तलाक दे देगा। अच्छा ठीक है, तुम ज्यादा परेशान मत हो और अब मैं फोन रखती हूँ, फिर तुमसे आराम से बाद में बात करूंगी, ठीक है? अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। कहाँ गए थे आप और बता के भी नहीं गए, जरा आइए। मैं डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर ने बताया कि मेरी किडनी के अंदर ना पत्थर है और उसने ये दवाइयां दी है मुझे खाने। दवा खाओगे ठीक हो जाओगे। अरे पिछले महीने तुम्हें मोबाइल दिलाया मैंने। मेरा जो कजन है ना वो अपनी बीवी को हर महीने नए मोबाइल दिलाता है, पता नहीं कैसे शौहर हो तुम। और हाँ बात सुन लो, काश मैं अपने कजन से शादी कर लेती, मेरा तो नसीब टूटा था कि तुमसे शादी हो गई। आज मैं पैसों में नहारी होती, बंगला गाड़ी दौलत सब कुछ मेरे पास होता, पता नहीं कहां से तुम मेरे नसीब में आ गए हो। अपनी फूटी किस्मत पर रोती हूं मैं। और हाँ गरीबों से भी बदतर हाल है मेरा। कैसा आदमी मिल गया, पता नहीं कब जान छूटेगी इस इंसान से। अरे बेगम ये तो नसीब की बात है ना। नसीब की बात करते हो, तुमसे शादी करके तो मेरे नसीब ही फूट चुके, पड़ा है नसीब की नसीहत देने वाला मुझे। बात सुनो, मेरा गला बहुत खुश्क हो रहा है, जाओ जाके पानी लेकर आओ। ये क्या पानी है, इतना गंदा पानी और गर्म पानी, ठंडा पानी लेकर आओ मेरे लिए। दफा जाओ यहां से, पकड़ो एक ग्लास। क्या करूं मैं इस बंदे से, मेरी कब जान छूटेगी। क्या हुआ भाई, तुम इतना रो क्यों रहे हो? अरे बहन मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी बीवी ने मेरे साथ इतना जुल्म करती है, इतना जुल्म करती है, मुझसे इतना काम घर का करवाती है, ना ना जिस्मानी सुकून देती है और ना जहनी सुकून मुझे देती है, मुझे तंग कर दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने ऐसी बीवी कभी भी नहीं देखी कि इतना शोर के साथ जुल्म करती है। जितना भी कुछ लाके दे दो कहती कुछ भी लाके नहीं दिया, जितनी भी खिदमत कर दो वो कहती है मेरा शोर बेकार है, जितना कुछ कर दो उसके लिए वो नाशुक्री पे नाशुक्री कर करके मेरे को बर्बाद कर दिया, मेरा सुकून ही बर्बाद कर दिया। अच्छा तो ये हरकतें करती है, अभी मैं उसको ऐसा सबक सिखाती हूँ कि सारी जिंदगी वो याद रखेगी, आटा टासु रोएगी वो। आप उसको सबक न सिखाइएगा। क्यों क्यों ना सिखाओ उसे सबक, में हम भी तो आप भी तो हमारी बहनोई के साथ कितना जुल्म करती हैं, उनके घर वालों ने आज तक आपको सबक सिखाया? आप भी तो बहुत गलत करती हैं उनके साथ। वो भी तो आपको सबक सिखा सकते अपने घर वालों को बोल के, लेकिन वो सारी तकलीफें सारी परेशानियां अपने दिल में सहते हैं, लेकिन वो आज तक कभी आपको उनके घर वालों ने सबक नहीं सिखाया। अरे सबक तो हमें तब सिखाना चाहिए ना जो हम खुद सबक सीखे,
हम दूसरे को क्या सबक सिखाएंगे? आपको बर्दाश्त नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना आपको बर्दाश्त? आपके भाई के साथ जुल्म हुआ और आपको बर्दाश्त नहीं हुआ, और आप हमारे बहनोई के साथ कितना जुल्म करती हैं, उनके घर वालों को पता चल गया तो वो लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो। आप माफी मुझसे ना मांगे, आप बहनोई से माफी मांगे हमारे, जो अपने दिल में सहते हैं लेकिन अपने घर वालों को कभी नहीं कहते। तुम ठीक कहते हो, मैं अभी जाके अपने शोहर से माफी मांगती हूँ। मैं अभी जाती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत जुल्म किया, मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहन। मैं तो आप लोगों से तो मजाक कर रहा था, मेरी बीवी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ये तो मैं आप लोगों को सबक सिखाने आया था कि आप लोग आपस में एक दूसरे का ख्याल रखें, इतना जरूर ना करें हमारे बहनों के साथ। भाई अगर तुमने ये मजाक किया है तो बहुत अच्छा मजाक किया है, तुम्हारे इस मजाक से मेरी आंखें खुल आई हैं और मुझे अपने शौहर की अहमियत का पता चल चुका है। अब तक जो भी मैंने किया उसकी माफी तो मांग चुकी हूँ, बस अल्लाह मुझसे राजी हो जाए और मुझे माफ कर दे। हमारी बहनों इन दिल के बहुत अच्छे हैं, और जो शख्स अच्छा है उसकी कदर और इज्जत करना चाहिए। अच्छे लोग जिंदगी में बहुत कम मिलते हैं।